ए गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरई फॉर यू। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मेरी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। तीन बार मैंने गई थी ये भूतिया प्लेस पर, दिल्ली का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस अग्रसेन की बावली नियर कनॉट प्लेस। आज सुबह छोटी जिद कर रही थी मुझे जाना है अग्रसेन की बावली। हम मना कर रहे थे अच्छी जगह नहीं है, हम छोटे बच्चे को लेकर नहीं जाएंगे। फाइनल हुआ सब ब्लैक रेड कोई नहीं पहनेगा। सब प्रिपेयर होने के बाद जब कैब बुक किया, दो बार कैब कैंसिल हुआ पता नहीं क्यों। तीसरी बार नियरेस्ट लोकेशन न लगाया तो हुआ। जब आप एंटर करोगे ये देखने के बाद, ये जो बोर्ड अग्रसेन की बावली देखने के बाद आपके मन में शंका आ जाएगा, ऐसे कुछ भयानक एक्सपीरियंस आ जाएगा। मैं हिस्ट्री नहीं दोहराऊंगी, मैं कुछ भूतिया ये भूत है इसके अंदर ये नहीं कहूंगी, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। 3 साल पहले जब पहली बार मेरी बेटी ने मुझे लेकर गई थी, मेरे मम्मी और मेरे बेटा गए थे उधर बेटी के साथ, वो मुझे नहीं बताई थी ये एक डरावना प्लेस है। मेरे बेटा ने ऐसे ही कुछ, उसका फेस आप रीड कर सकते हैं ये कैसे, ये बेटी तो पहले पता था उसे, उसको कुछ नहीं। ये मैं भी ऑलमोस्ट बैठी थी, मेरे बेटे ने बोला कुछ अजीब सा फीलिंग्स हो रहा है इधर, हम बाहर आ गए थे। आने के बाद बेटे ने बोला था ये ऐसी ही जगह है, ये बहुत रूह है इसके अंदर, जो अतृप्त आत्मा होते ये बहुत सारे हैं इधर, ऐसे कुछ हिस्ट्री है इस जगह का। देन 1 साल बाद फिर हमने, जब उसके पापा और मैं गई थी घूमने के लिए, पापा ने बोला चलो दिल्ली घूमते, ये फिर से मेरी बेटी उधर ले गई बहुत सारी जगह घूमने पर। उनको नहीं बताया गया था ये ऐसी एक प्लेस है। देखिए स्क्रीन फोटोज में दे रही, ये मुझे बोल रहे थे ये कौन सी जगह है, ये कुछ अजीब सी सफोकेटिंग लग रहा है, चलो चलते हैं। 5 मिनट भी वो बैठे रहे थे उधर, हम निकल आए थे बाहर। अब हमने गए थे ये 2 हफ्ते पहले छोटी बेटी और पोते के साथ बड़ी बेटी के पास, तब छोटी बेटी ने जिद किया था उधर घूमने के लिए, क्या है इस जगह में हम देखेंगे। मैं तो 2 बार जा चुकी हूँ, बड़ी बेटी ने बहुत बार जा चुकी है, तो अब जब गई थी ना मुझे कुछ नहीं लगा था, लेकिन मुझे ये जगह बड़ा भयानक लगती थी। और बात जो जिस बार मैंने गई थी वही जगह मुझे, ये जो पेड़ पौधे वगैरह मुझे बढ़िया लगते थे। अब मैं कभी भी उधर भैंस नहीं दे पाई थी, मुझे मेरा ऐसे लगता है था ये जहाँ इतना साइलेंस, इतने लोगों के साथ भी इतना साइलेंस था वो जगह, आप यकीन नहीं करते। मुझे लगता है ये जितना भी यहाँ आत्मा वगैरह रहते हैं, इतने सारे टूरिस्ट जाते देखने के लिए, वो लोग क्या उधर रह पाएंगे, नहीं शायद ये पेड़ों में लटके हुए वो लोग मिले। ये मेरी खुद की सोच है, अच्छा लगा सोच के आज के बच्चे किसी क्या प्लेस को टूरिस्ट प्लेस बना लिए हैं। जब रिटर्न करती हूँ हर बार सोचती हूँ और नहीं आऊँगी, बट आ जाती हूँ। छोटी खुद की एक्सपीरियंस बता रही थी, मतलब कुछ नहीं, थोड़ा भारी भारी लगा मन और कुछ नहीं, कुछ तो है मन में रहेगा। अग्रसेन बावली की एक्सपीरियंस आ गए हम जनपद मार्केट, थोड़ा मन का हल्का हो गया था शॉपिंग करते करते। आपको जनपद मार्केट की ब्लॉग मिल जाएगी बहुत जल्द। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।